दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे और आपने थंबनेल देख लिया होगा और आप ये जानना चाहते हैं कि जब दुबई का इंटरव्यू देने जाएंगे आप तो क्या आपसे हिंदी में सवाल पूछा जाएगा या अंग्रेज़ी में सवाल पूछा जाएगा ये इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे काफ़ी बार पूछे गए थे काफ़ी बार ऑडियंस ने पूछा था कि भाई बताइए कि किस तरह के सवाल किस जबान में पूछे जाते हैं अंग्रेज़ी में पूछे जाते हैं हिंदी में पूछे जाते हैं इन सब बातों का मैं बहुत ही डिटेल में जवाब दूंगा क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है यहाँ का और वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में एक बहुत धमाकेदार अंग्रेजी सीखने की टिप आने वाली है जो मैंने खुद सीखी है जिस तरह से वो ही एक छोटा सी मैं आपको जो वो टिप देने वाला हूँ वीडियो के आखिर में वो टिप मिलेगी लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और जितने भी शक हैं वो इस वीडियो में आपके खत्म हो जाएंगे देखिए अगर मैं बात करूं दुबई की दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है जहां पे अलग अलग नेशनैलिटी से लोग आते हैं लेकिन दुबई इट्स अगर आप कभी गए हों या फिर अभी कभी जाने का मौका मिले तो आपको लगेगा कि आप इंडिया ही में किसी और किसी शहर में है इंडिया के ही किसी शहर में है और थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपको नजर आया क्योंकि शक्लो सूरत आपको सेम नज़र आने वाली है बस वहां पे डेवलपमेंट प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है गाड़ियां ज़्यादा चमचमाती हुई नज़र आती हैं रोड ज़्यादा अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती है लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि भैया वो एक दूसरा ही इंडिया है क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपको वहां पर इंडियंस की मिलेंगी या पाकिस्तानीज़ की या फिर और भी अपने एशियन कंट्री के लोगों की वहां पर आपको लोग वहां पर नज़र आएंगे तो अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप इंटरव्यू देने गए तो कौन सी लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा जाएगा ठीक है अब इसका कई जवाब हो सकते हैं लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है अगर आपकी डिलीवरी बॉय की जॉब प्रोफाइल है तो वहां पे ज्यादातर जो डोमिनेट लोग करते हैं वो या इंडियन होते हैं या पाकिस्तानी होते हैं इंडियन पाकिस्तानी जो है वो हिंदी उर्दू को समझते हैं तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपका काम बन जाएगा हालांकि अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती हो तब भी आपका काम बन जाएगा तो इस लेवल के लिए आपको हिंदी ही आनी चाहिए ठीक है अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आती है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा ये गलत है ड्राइवर की जॉब के लिए जैसे कि मैंने बताया कि ये दो तीन नेशनैलिटीज़ हैं जो कि लीड करती हैं दुबई के जी जो ड्राइवर मार्केट है या फिर ज़्यादातर जो ड्राइवर्स होते हैं वो या तो पाकिस्तान से होते हैं या बांग्लादेश से होते हैं या इंडिया से होते हैं तो आप के पास यहाँ पे एक चांस होता है कि कभी कभी आप हिंदी में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको बीट कर सकते हैं ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि भाई आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है समझ लेते हैं टूटी टूटी बोल लेते हैं और हिंदी उर्दू में आपकी कमांड अच्छी है तो ये अपजिशन आपकी हो सकती है अब मैं थोड़ी से अगर अलग लेवल पे लेके जाता हूं आपको अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आते हैं पेशेंट आपसे पूछेंगे कुछ आपको उनकी जवाब देना पड़ेगा अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है कई बार मैं अपने इस वीडियो में बता चुका हूँ आपको जैसे इंजीनियर बनते हैं तो आपको और भी नेशनैलिटी के साथ काम करना पड़ेगा और भी लोगों के साथ काम करना पड़ेगा तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए मैं अपनी बात बताऊँ मैं डिजिटल मार्केटिंग के जॉब करता हूँ तो मुझे अलग अलग क्लाइंट मिलते हैं ठीक है अलग अलग लोगों से बातचीत करनी पड़ती है जैसे मेरे ही ऑफिस में जो दो तीन लोग जो हैं वो आपके यूके से हैं यूनाइटेड किंगडम से तो उनसे अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है लेकिन जो मेरा जो मेरे कंपनी का ओनर वो इंडियन है तो और जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था तो, तो बात तो अंग्रेजी से शुरू हुई थी लेकिन बात होते 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 आखिर तक हिंदी में ही भावना जो है वो शुरू हो गया देखिए यहाँ पे कोई जज करने के लिए नहीं बैठा है कि आपको अंग्रेजी आती होगी तो आप बहुत अच्छा काम करते होंगे यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने महसूस नहीं करी यहाँ पे लैंग्वेज मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा बार है लेकिन हाँ आनी चाहिए ये मैं मानूंगा लेकिन ऐसा भी नहीं कि अंग्रेजी नहीं आती तो आपको बहुत गिरी भी निकाव से देखा जाएगा आपको कंसिडर जरूर किया जाएगा हो सकता है आपकी स्किल्स उस उस लेवल पे ना हो लेकिन कोई आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है सब टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं मेरी भी अंग्रेजी जो है वो टूटी फूटी क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज तो है नहीं यहाँ पे तो मैं, मैं तो इट्स कंप्लीटली अलाउड टू मी कि मैं मिस्टेक्स कर सकता हूँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आती तो वो उसकी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे तो अपना काम तो करना ही है लेकिन हालांकि आज तक किसी ने नहीं बोला कि आपकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती समझ में आ जाती होगी तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ वो अलग अलग लेवल्स हैं जहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है अगर आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा आ, अकाउंटेंट की जॉब जा रहे हैं आप एच की जॉब करने जा रहे हैं रिसेप्शन की जॉब करने जा रहे हैं तो वहां तो आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए ठीक है इसमें तो कोई दोरा है ही नहीं क्योंकि आपको कैंडिडेट से बात करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स आएंगे इंटरव्यू कर देने के लिए सपोज कि आप एच आ हैं किसी कंपनी में तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है अब मान लीजिए कि आप जो है वो एक मॉल में कैशियर uh, है तो वहां पे भी डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आएंगे थोड़ी बहुत अंग्रेजी वहां पे भी आनी चाहिए आपको लेकिन बहुत हाईफाई नहीं आनी चाहिए काम भर के आनी चाहिए ठीक है तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी और हो सकता है कि आपके मन में कई सवाल हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक टिप दूंगा तो अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो आप एक काम कर सकते हैं आप अपने डेली एक्टिविटी को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं अब मैं बताऊंगा आपको करना क्या है जैसे मान लीजिए आज है वेंसडे ठीक है आज बुधवार का दिन है तो मैंने क्या किया एक सेंटेंस बनाया एक सेंटेंस क्या है आई एम गोइंग टू दुबई ये सेंटेंस है मेरा अब मैंने क्या किया अब सबके पास स्मार्टफोन है ऑडियो रिकॉर्डर होता है तो मैंने वो सेंटेंस जो लिखा था उसी को मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू दुबई ठीक है ये पहला सेंटेंस हो गया सपोज नेक्स्ट डे इज थर्सडे तो आपने थर्सडे को एक और सेंटेंस बना लिया वेंसडे को सेंटेंस आई एम गोइंग टू दुबई ठीक है अब आपका सेकेंड सेंटेंस ये हो गया आई एम गोइंग टू दुबई ऑन अ विजिट वीजा अब आपने क्या किया विजिट वीजा को सेंटेंस में जोड़ दिया तो आपके दूसरे दिन आप रिकॉर्ड करिए आई एम गोइंग टू दुबई ऑन अजिट वीजा ठीक है, है? यह आपके दो सेंटेंस हो गया फ्राइडे में तीसरा सेंटेंस ले आइए आई एम गोइंग टू दुबई फॉर अब सर्च आई एम गोइंग टू दुबई फॉर अब सर्च ये आपका तीसरा सेंटेंस हो गया तो आपको पूरे सेंटेंस एक ही बार पढ़े हर दिन आई एम गोइंग टू दुबई ऑन अ विजिट वीजा आई एम गोइंग टू दुबई फॉर अब सर्च तो ये आपका जो है वो तीन दिन में तीन सेंटेंस हो गया और आपको इस तरह के सेंटेंस बना करके उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रोज करनी है रोज सुननी है रोज लिखना है इससे क्या होगा कि आपका जो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर है छोटा 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 वो बन जाएगा आपसे मैं ये नहीं कहता कि आपको जो है वो बहुत हाई फाई अंग्रेजी आनी चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने कई बार बोला कई बार आपको डेफिनेट नेशनैलिटी के साथ डील करना चाहिए तो हेलो थैंक यू वेलकम ये सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा सीख लेंगे तो अच्छी चीज़ है आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए कमेंट करिए लाइक करिए और कोई अगर आप में आपके जानने वालों में से कोई दुबई आना चाहता है इंटरव्यू देने के लिए तो उसके साथ जरूर ये वीडियो शेयर किए आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया थैंक यू